आज हम एक ही वीडियो में आंवले की बहुत सारी रेसिपीज देखेंगे जो हमें पूरे साल भर इम्यूनिटी से भर देंगी और हमें कई बीमारियों से बचाएंगी जी हाँ आंवला जिसमें विटामिन सी पाया जाता है जो हमें बहुत से हेल्थ बेनिफिट देता है जिससे हमारे बाल स्किन पेट आंखें सभी बहुत ही अच्छी रहती हैं तो इसके गुणों से हम लाभान्वित हो सकें तो इसके लिए हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे आज तो देखते हैं सबसे पहले हम बनाएंगे आंवला पाउडर तो आंवला पाउडर घर पर बनाना बहुत ही आसान है मार्केट में ये बहुत ज्यादा महंगा मिलता है तो इसको बनाना बहुत ही आसान है तो हम देख लेते हैं कि हम इसे घर पर कैसे बना सकते हैं बड़े बड़े ब्रांड इसका प्रमोशन करते हैं और हम देखते हैं कि उसमें इनकी जो प्राइस है बहुत ज्यादा होती है तो इसको बनाने के लिए हम ले लेंगे आंवला और उनको कुछ इस प्रकार से कट कर लेंगे रफली और एक दिन के लिए इन्हें छोड़ देंगे ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सूख जाए इसके बाद में हम जो इसकी गुटलियां हैं उसके बारे में भी किसी वीडियो में बात करेंगे तो एक चॉपर ले लेंगे और चॉपर में कटे हुए आंवला डालकर उसे अच्छे से चॉप कर लेंगे आप चाहें तो इसे कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकते हैं और इस प्रकार से हमने सारे आंवलाओं को चॉप कर लिया है और इसे दो से तीन दिन के लिए सुखा देंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल सके इस पतली पतली लेयर बनाकर कुछ इस प्रकार से हम इसे धूप में सुखा देंगे आप देख रहे हैं कि आंवला काफी सूख चुका है और जब ये अच्छे से सूख जाए और पूरी तरीके से इसका मॉइस्चर निकल जाएगा तो हम एक मिक्सर में इसको अच्छे से पीस लेंगे आप देख सकते हैं कि हमारा पाउडर कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है और अब हम इस पाउडर को बहुत सारी चीजों में काम में ले सकते हैं तो पाउडर का हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कभी अभी हम देख रहे हैं कि आंवले की कौन कौन सी रेसिपीज बना सकते हैं। तो आप भी इस प्रकार से आंवले का पाउडर बना सकते हैं और उसे काम में ले सकते हैं बहुत ही आसान है हमारे बहुत सारे पैसे से बच सकते हैं क्योंकि बहुत कम पाउडर भी बहुत महंगा मिलता है और इसे हम सालों साल आराम से स्टोर कर सकते हैं तो इसे स्टोर करना भी बहुत ही आसान है और इसका उपयोग करके इसके गुणों का फायदा उठा सकते हैं अब हम देखेंगे कि आंवला कैंडी हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं आंवला कैंडी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और जिन लोगों को आंवला पसंद नहीं है वो आंवला कैंडी बनाकर भी इसका यूज कर सकते हैं विशेष रूप से बच्चे जब भी कोई टॉफी वगैरह मांगते हैं तो हम आंवला कैंडी उसे दे सकते हैं इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि टॉफी से जो होने वाले नुकसान है उनसे भी बच्चा बच जाएगा और आंवले से बेनिफिट भी उसे काफ़ी मिलेंगे तो इसके बाद में हम ले लेंगे आंवला आप बड़ी साइज के आंवला ले लीजिए जिससे इनकी जो फाँक है वो काफ़ी लंबी लंबी बनेंगी और इस प्रकार से बिल्कुल साफ़ आंवले होने चाहिए हमने इनको एक दिन में इस प्रकार से पॉलीथीन में बांध कर एक, एक फ्रीजर में रख दिया है और फ्रीजर में रखने से ये काफ़ी टाइट हो जाते हैं जिससे हमें इन्हें आसानी से छील सकते हैं यदि हम इन्हें फ्रेश ही छीलेंगे तो इनसे इसका जो पानी है वो निकलने लगता है लेकिन अगर एक दिन के लिए इस प्रकार से फ्रीजर में रखकर छीलते हैं तो ये काफ़ी अच्छे से छिल जाते हैं और छीलना हमें इसलिए है क्योंकि इससे कैंडी काफ़ी सॉफ़्ट बनती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी और जो ये चासने को अच्छे से ऑब्जर्व ही कर पाती हैं इसलिए हमें इसको छीलना ज़रूरी था इसके छिलके का हम क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए भी वीडियो है आप देख सकते हैं चैनल पे जाके और हम उसका क्या यूज कर सकते हैं वहाँ आप देख सकते हैं इसे भी हमें फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी विटामिन सी से भरपूर होता है तो इस प्रकार एक एक करके हम सारे आमले छील लेंगे बहुत ही आसान है इसको छीलना आप चाकू की सहायता से इसे बहुत ही आसानी से छील सकते हैं फिर हम इसे नॉर्मल होने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे और जब ये नॉर्मल होंगे यानी थोड़े रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो ये अपने आप ही खुलने लग जाते हैं और हाथों की सहायता से ही हम इसको अच्छे से इसकी कलियों को अलग कर लेंगे बहुत ही आसानी से ही हो जाता है किसी चीज़ की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है हम इनको आराम से खोल सकते हैं और सारी फाँक हम कुछ इस प्रकार से अलग कर लेंगे जब हम इनकी फाँक अलग कर लेंगे तो इसके बाद में हम इन फाँकों को आ, ताकि ये ज़्यादा नरम हो सकें कुछ देर के लिए उबाल लेंगे ज़्यादा हमें इसे नहीं उबालना है बस हमें इसे थोड़ा ही उबालना है लगभग हम इसे पाँच मिनट के लिए उबाल लेंगे जब ये पाँच मिनट के लिए उबल जाए यानी थोड़ा सा नरम हो जाए बस थोड़ा नरम ही करना है उसके बाद में हम इनको निकाल लेंगे और पानी को हम कर देंगे अलग आमले का पानी का हम क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है वहाँ जाके आप देख सकते हैं आमले का पानी भी विटामिन सी से भरपूर होता है जो हमारी बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है इसको कैसे सेव कर सकते हैं ये भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं अब सारी कैंडी हम एक बर्तन में ले लेंगे बर्तन लोहे का या फिर स्टील का ना हो प्लास्टिक या फिर कांच का हो सकता है और कैंडी नीचे रखकर ऊपर से चीनी इस प्रकार से फैला देंगे जिससे क्या होगा कि चीनी धीरे धीरे अंदर पिघलेगी वैसे वैसे वो आमले में ऑब्जर्व होती रहती है कुछ लोग सुगर को पिघला देते हैं फिर उसके बाद में उसमें इसको डिप कर देते हैं लेकिन ऊपर से डालने से ये अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है फिर दो तीन दिन इसको अच्छे से मिक्स करके यूं ही छोड़ देंगे और फिर इस प्रकार से जब ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए तब तक हम इसमें डाल देंगे हमें इसमें नींबू भी मिलाना है इससे क्या होगा एक तो इसका जो कसेलापन है वो भी अच्छे से निकल जाएगा और साथ ही जो कैंडी है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद बनेंगी दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी इसके बाद में हम इसका सारा पानी अलग करके इस प्रकार से इसको सुखा देंगे जो इसका चिपचिपापन है वो निकल जाए इस प्रकार से इसको धूप में सुखा देंगे जब ये अच्छे से सूख जाएंगी चिपचिपापन निकल जाएगा तो उसके बाद में हम कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं या तो आप आप देख सकते हैं अच्छे से सूख चुकी है तो मिश्री का पाउडर ले सकते हैं या भूरा ले सकते हैं सुगर पाउडर ले सकते हैं उसे अच्छे से मिक्स करा कर लेंगे और हमारी कैंडी बनकर तैयार है हम इसे साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में बहुत ही अच्छी ये लगती हैं तो ये भी तैयार है अब हम दूसरी रेसिपी देख लेते हैं तो आज हम बनाएंगे दूसरी रेसिपी ये है खट्टी मीठी आमले की चटनी ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में आप इसे टमाटो केचप और जैम आदि की जगह यूज में ले सकते हैं इसके लिए आप किसी भी प्रकार के आंला ले सकते हैं छोटे या बड़े इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है हम उन्हें अच्छे से उबाल लेंगे उबाल कर उन्हें उनकी फांकों को अलग कर लेंगे और जब इनकी फांक अच्छे से अलग हो जाए तो हम इन्हें एक छोपर में लेके अच्छे से चॉप कर लेंगे कद्दूकस कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़े क्योंकि चटनी में ये छोटे टुकड़े ही अच्छे लगते हैं आप चाहे तो इन्हें हाथों से चमचे से भी कर सकते हैं फिर एक कढ़ाई में तेल लेकर हम कुछ मसाले लेंगे राई कलौजी जीरा मेथी और सौंफ साथ ही थोड़ी सी हींग ले लेंगे मेथी हमने कम ही ली है ये अचारी मसाले हैं इससे जो चटनी का फ्लेवर है बहुत ही टेस्टी आने वाला है तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे मसाले भुन चुके हैं अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ आंवला डाल देंगे और आंवले को हम अच्छे से पका लेंगे इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए और आप देख पा रहे हैं कि हम इन्हें अच्छे से इसमें मिला देंगे हमने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और हम इसमें डालेंगे भी नहीं और अब हमने काला नमक हल्दी पाउडर और साथ ही हम ले लेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर साथ ही हम इसमें धनिया पाउडर भी डालेंगे अगर आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद नमक का भी यूज कर सकते हैं लेकिन काला नमक काफ़ी टेस्टी लगता है तो अब हम इन मसालों को अच्छे से पका लेंगे जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो इनका कच्चापन निकल जाएगा हल्दी की स्मेल वगैरह नहीं आएगी तब तक हम इन्हें पका लेंगे पानी हमें इसे नहीं डालना है जब हम इसमें पानी नहीं डालते तो इसे आराम से हम महीने दो महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और फिर हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ गुड़ डाल देंगे लगभग उतना ही डाल देंगे जितना आंवला होता है बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं तो हमने इसमें गुड़ डाल दिया है आप चाहें तो शुगर भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और गुड़ में आयरन भी होता है तो हमें आयरन के भी बेनिफिट इससे मिल जाएंगी तो ये जो चटनी है वो बहुत ही हेल्दी है इससे विटामिन सी और आयरन हमें मिलता है तो इस प्रकार से गुड़ पिघल जाएगा अपने आप से इसमें पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है और आप देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है हमें इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि ठंडी होने के बाद में ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो हमें इसे कुछ इस प्रकार से ही रखना है आप अगर इसमें पानी डाल भी देते हैं ना तो वो ज़्यादा दिनों तक फिर चलेगी नहीं इसलिए हमें इसमें पानी नहीं डालना है और यदि आपको तुरंत इसको यूज करना है तो आप इसमें पानी डाल के भी थोड़ा पतला या गाढ़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं अब हम इसे अलग अलग बर्तन में निकाल लेंगे आप देख पा रहे हैं कि कितनी स्वादिष्ट हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है बच्चे इसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करेंगे क्योंकि ये जो जैम वगैरह हैं उनकी जगह यूज की जा सकती है वैसा ही इसका जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा लगता है अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे तो देखते हैं कैसे बनाते हैं ग्रीन चटनी ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इस प्रकार से हम कई रेसिपी बनाकर आमले के फ़ायदे ले सकते हैं तो धनिया ले लिया है हमने और साथ ही हमने हरी मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग आमला ले लिया है थोड़ा जीरा ले, ले लेंगे हम इसमें और नमक और इसके साथ ही हम भुने हुए लहसुन ले लेंगे और अदरक ले लेंगे भूलें लहसुन से ये चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है तो हमने ले लिया है इसको और अब आप इसमें पानी डाल के इससे अच्छे से एक चटनी की तरह पेस्ट बना सकते हैं आप इसको दही से भी पीस सकते हैं छात से भी पीस सकते हैं बहुत ही टेस्टी ये लगती है तो इस प्रकार से हमारी हरी चटनी बनकर तैयार हो चुकी ये काफी है ये काफ़ी तीखी है चटपटी है आप इसे जैसे चाय बना सकते हैं तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं अब हम इसमें नींबू का रस डाल देंगे ताकि इसका जो आमले का कसैलापन है वो निकल सके आमले में काफ़ी कसैलापन होता है जिसकी वजह से लोग इसे खाना पसंद नहीं करते तो नींबू से इसका कसैलापन निकल जाता है इस प्रकार हमारी ग्रीन चटनी भी बनकर तैयार हो चुकी है तो आप इसे भी खाइए और अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने बालों को अच्छा बनाइए अब हम देखेंगे कि हम आमले की रसम कैसे बना सकते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है तो इसके लिए आप कोई भी दाल ले लीजिए हमें मिक्स दाल ली है और इसको हमने अच्छे से भिगो लिया था और धो लिया हमने इसको अच्छे से अब पानी में लेकर हम इसे उबाल लेंगे हमें इसको बहुत अच्छे से उबालना है इसके बाद में हम एक ग्राइंडर लेंगे उसमें टमाटर आमला दो आमला ले लिए दो टमाटर ले लिए और कुछ अदरक ले लिए हमने और कड़ी पत्ता ले लिए हैं साथ ही हमने हरी मिर्च ले ली है आज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ले सकते हैं फिर कुछ मसाले साबुत धनिया जीरा और लौंग आ, काली मिर्च ले लिए लौंग नहीं लिए और लहसुन ले लिया इन्हें अच्छे से पीस लेंगे एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और इधर हमने कढ़ाई में जीरा ले लिया है और जो लहसुन थी उनको हमने काट लिया था और उसको अच्छे से हम इसमें भून लेंगे हिंग डाल दी है इस प्रकार से हम इसे ब्राउन होने तक भून लेंगे साथ ही हम इसमें कड़ी पत्ता भी डाल देंगे काफ़ी टेस्टी लगती है इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस रेसिपी का कड़ी पत्ते से अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे और उसे पका लेंगे रसम बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी हमारी और ये चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और आप इसे सर्दियों में सूप की तरह भी पी सकते हैं बहुत टेस्टी लगती है इम्यूनिटी पावर को हमारी को स्ट्रॉन्ग बनाती है हमारे फ्लेवर को इन्हेंस करती है हमारे जो मुंह का जायका है उसको बढ़ाती है तो हम इसे कुछ इस प्रकार से पका लेंगे पानी वानी हमने नहीं डाला अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे सबसे पहले हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसे भी हम कुछ देर के लिए पका लेंगे अच्छे से मिक्स करके अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर वगैरह डाल सकते हैं या फिर हरी मिर्च ही ज़्यादा आप डाल सकते हैं तो इस प्रकार से अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे और पका लेंगे और उधर हमारी दाल अच्छे से उबल चुकी है दाल जो हमारी है वो आप अपनी पसंद से ले सकते हैं उड़द या फिर जो भी दाल आप पसंद करते हैं मैंने मिक्स दाल ली है अब हम इसमें पानी ले लेंगे उतना जितना कि हमें चाहिए इस ग्रेवी के अकॉर्डिंग ज़्यादा पतला भी नहीं करना है ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना आप देख पा रहे हैं सूप की तरह ही हम इसे पी सकते हैं तो इसका जो पानी है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती है तो जब पानी कुछ इस प्रकार से उबल जाए तो हमारी जो दाल है जिसको हमने अच्छे से मैश कर लिया है उबलने के बाद में वो इसमें हम डाल देंगे बहुत ही टेस्टी ये लगता है आप इसे सूप की तरह खाली पी सकते हैं ठंडियों में इसे पीने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और सर्दी तो छुमन हो जाती है तो इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं और चावल के साथ भी इसको खा सकते हैं अब हम इसमें डाल देंगे नमक और हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनकर तैयार होती है तो आप देख पा रहे हैं कि आमले की हमने बहुत सारी रेसिपी देखी जिनसे हम आमले के फ़ायदे ले सकते हैं और पूरे साल भर हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं आप देख पा रहे हैं तो हमारी रसम बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और आप इसे खाने के लिए सर्व कीजिए बनकर तैयार हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आमले का हम कई प्रकार से यूज कर सकते हैं और इसके जो गुण हैं उनको हम ले सकते हैं जिससे हमारी स्किन बाल आंखें, पेट वग़ैरह बहुत ही अच्छा हो जाता है तो आप देख पा रहे हैं कि आमले की रसम काफ़ी पौष्टिक होती है क्योंकि हमने इसमें आंवला डाला है और ये काफ़ी इसका मेडिसिनल वैल्यू भी होता है जो कई बीमारियों को दूर भगाता है इसकी काली मिर्च है कड़ी पत्ता आंवला ये इसकी वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है अब हम दूसरी रेसिपी के देखते हैं वो है आमले का अचार तो आप देख पा रहे हैं कि आमले का अचार भी हमारी हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है और इसे हम साल भर के लिए बना के रख सकते हैं तो इसके लिए आप आमला ले लीजिए आंवला मोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है और उसमें किसी प्रकार के दाग नहीं होने चाहिए मोटा होता है तो उससे उसकी फाँक काफ़ी अच्छी होती है इसको हम उबाल लेंगे इसमें किसी भी प्रकार का आ, दाग नहीं होना चाहिए और जब इस प्रकार से आंवला खुलने लगे तब तक उबाल लेंगे और इसकी फांकों को कर लेंगे हम अलग आंवले के पानी का हम क्या यूज कर सकते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं तो इस प्रकार से अलग करके हमने इसको अच्छे से सुखा लिया आप अच्छे से धूप में सुखा लीजिए ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए क्योंकि आंवले के अचार में अगर पानी होगा तो फिर वो ख़राब होने का डर है फिर कुछ मसाले ले लेंगे अचार बनाने के लिए जीरा मेथी एक चम्मच और जीरा दो चम्मच और हमने पीली वाली सरसों ली है दो चम्मच सौंफ दो चम्मच साबुत धनिया दो चम्मच इन्हें अच्छे से पीस लेंगे जब ये अच्छे से सरसों का तेल गर्म हो जाए तो फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद में हम इसमें हरी मिर्च तीखी वाली और अदरक के लच्छे इसमें डाल देंगे हमने गैस बंद कर रखा है इस समय और इसमें कुछ मसाले डाल देंगे सबसे पहले हम हल्दी पाउडर डालेंगे और फिर हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आप अच्छे कलर के लिए इसमें कसूरी वो क्या बोलते हैं कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं फिर हमने इसमें कलौजी डाल दी थी धनिया पाउडर और जो मसाला हमने पीसा था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद में हमने जो आमले उबाल के सुखा रखे थे जिनका मोशन निकालने के लिए रखा था वो हम इसमें मिला देंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप चाहें तो गैस को थोड़ी देर के लिए ऑन कर सकते हैं जब तक कि हमारी कढ़ाई गर्म हो जाए वैसे ज़रूरत है नहीं और आप इस अचार को किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रख के सालों साल यूज कर सकते हैं और इसके फ़ायदे ले सकते हैं पूरी साल तो इस प्रकार से हाँ देखा हमने कि हम आमले की बहुत सारी रेसिपी किस प्रकार से बना सकते हैं आमले की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं जिनका हम कभी फिर और बात करेंगे तो आमला हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है तो आप भी आमले को यूज़ कीजिए और से रेसिपीज़ बनाइए आमले की गुटलियों का आमले के पानी का आमले के छिलके का हम क्या कर सकते हैं इसके लिए आने वाले वीडियोज़ में अपडेट होगी इसका कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो कि काम में नहीं आता हो सभी को हम काम में ले सकते हैं कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं है तो उनके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू